नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य के श्री ब्रेकिंग न्यूज। आज हम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस तरह से प्रदेश का विकास कर रहे हैं और हमें समय समय पर इस बात के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि करनाल में किस तरह से विकास को सुशासन के साथ किया जाए, ट्रांसपेरेंटी पॉलिसी के साथ किया जाए और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ किया जाए, तो इसके लिए लोगों की कई बार समस्या आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुनने को मिलती है, जिसका निवारण करने के लिए आज हमने एक व्हाट्सएप नंबर 999190059 एक नंबर जारी किया है, ताकि लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सके, जनता के बीच में, सरकार के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक विश्वास के दौर कायम रहे, इसलिए इस नंबर को आज जारी किया है। और मुझे विश्वास है कि अब की बार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निश्चय किया है कि 2020 का जो ये ईयर है, ये जो साल है, हम सुशासन संकल्प वर्ष के तौर पे मना रहे हैं, तो एक अच्छी व्यवस्था हम शहरवासियों को दे पाएंगे। किस तरह की समस्या इसमें लोगों की, चाहे कोई सड़क से संबंधित है, चाहे सफाई से संबंधित है, चाहे लाइट से है, पानी से है, सीवरेज से है, या शहर की कोई भी किसी भी व्यवस्था को लेकर ये लोगों की समस्या है, उसमें वो अपनी समस्या का को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे नगर निगम से संबंधित और अन्य विभागों से भी जो संबंधित समस्याएं होंगी उनको समाधान करवाएं, ताकि लोगों में एक व्यवस्था अच्छी हम दे सक पाएँ। हमारे साथ हैं पार्षद मितु सैनी जी, इनसे जानते हैं आज मेयर हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कितनी कारगर होगी, व्हाट्सएप नंबर जो जनता को दिया गया है वह कितना कारगर होगा, क्योंकि पहले भी एक बार व्हाट्सएप नंबर निगम द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिस पर शिकायत आने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इनसे जानना चाहते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज मेयर मैडम के घर पे हम सभी पार्षदों ने मिलकर, मेयर मैडम ने एक नंबर जनप्रतिनिधियों की तरफ से, मेयर मैडम की तरफ से शहरवासियों के सुझाव के लिए जारी किया गया है, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से कोई आपको स्ट्रीट लाइट की शिकायत हो, कोई सड़क पे कोई गड्ढे आपको दिखे, आप कोई भी उसमें जनमानस आम आदमी जो भी करनाल का निवासी है या निवासी हो या ना हो, कोई भी आपको समस्या लगे, कोई कूड़े की ढेरी हो, आप उस समस्या में फ़ोटो डालिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। हाँ, पानी की समस्या, वो एक समस्या ऐसी थी जी, उसका स्थायी समाधान जरूरी था। आज तक हमसे पूर्व जो भी पार्षद रहे हैं वहाँ, उन्होंने उस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। समाधान तो हुआ, एक गली का हो तो एक गली का, अब की बार हम पूरा समाधान वो कर रहे हैं, उस गली को पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे वार्ड 15 की पानी की लाइन और सीवर की लाइन को बदलने का काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, 2 या 4 दिन के अंदर हमारे वहाँ पानी की लाइन का काम शुरू हो चुका है। काम बढ़ा है, काम कम से कम यूँ लगा लो अब 6-7 किलोमीटर की लाइन बदली जानी पुराने शहर की, तो इसलिए उसमें काम में थोड़ा समय लग गया, अब प्रॉपर रूप से काम हो जाएगा। हम एक जो लोगों को समस्या की स्थायी समाधान देना जरूरी है, आप क्रांतिकारी आपको कहा जाता है और एक क्रांतिकारी संगठन से निकले हुए हैं जी, आपके आवाज में कई बार जो है पार्षद बनने के बाद भी क्रांति की आवाज़ आती है और कई बार आप धरने तक की भी कह देते हैं मीटिंग की, हाउस मीटिंग में। अच्छा जी, क्रांति तो हमारे खून में है, हमने ये जो जीवन में शुरुआत की थी राजनीति माने की, तो हमने सबसे पहले ये सोचा था भी आवाज़ नहीं दबनी चाहिए आम आदमी की आवाज़ बनके लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की के समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता में अधिकारियों को
समय समय पर चेताते रहते हैं और समय समय पर लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ मैं। इससे पहले जैसे कि आप एक संगठन से जुड़े हुए जी जी और आपको अध्यक्ष भी बनाया जिला अध्यक्ष था मैं युवा बोलेगा मंच का। मैं संगठन से जुड़े हुए हैं। हाँ देखो संगठन से अब एक्चुअली मैं राजनीति में आने के बाद उस संगठन से जुड़ा नहीं हूँ पर उस संगठन के जो विचार थे वो आज भी मेरे अंदर है जी। धन्यवाद। नौतना जी और वीर विक्रम जी इनसे जानना चाहेंगे आज की मीटिंग के विषय में जो महापौर ने अपने निवास स्थान पर एक मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जो है व्हाट्सएप नंबर जारी किया कितना कारगर हो पाएगा व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ से आज जनता के समक्ष भेजा गया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और इस मौके पर हमारी मेयर बहन रेणुमाला गुप्ता जी ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे नगर की लोगों की समस्याएं हैं और जो हम तक और पार्षदों तक नहीं पहुंच पाती वो हम तक पहुंचे ताकि हम उसका निवारण कर पाए। और जैसे आपने कहा कि कारगर ये बहुत अच्छा कारगर होगा क्योंकि सभी पार्षद एकजुट होके और मेयर मैडम एकजुट होकर करनाल के विकास के लिए सजग है और वो विकास करना चाहते हैं किसी को मतलब पब्लिक को परेशान ना हो इसीलिए ये नंबर लॉन्च किया गया है। तो नौका जी आपके वार्ड में काफ़ी समस्याएं एक कॉलोनी को लेकर करण विहार को लेकर आती रहती हैं मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है तो उसके लिए आप क्या जो उनसे आगे कार्रवाई करने जाएंगे। देखिए मेरा वार्ड नंबर 4 में 13 कॉलोनियाँ हैं जी और उसके अंदर जो उत्तम नगर दुर्गा कॉलोनी पृथ्वी विहार या सूरज नगर जितने कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे लोग बेचारे बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं विकास कराने के लिए और हमने भी ये सोचा था कि बनते ही हम यहाँ पे पूरा विकास इस तरह से करा देंगे लेकिन जो अधिकारियों की मनमानी की वजह से हम ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। आज हमारी मेयर मैडम ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है वो सीधा अब जनता से सीधा जुड़ पाएंगी और पार्षद जो भी हैं जितना अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी वो उस समस्या से वाकिफ़ होंगे। हर प्रकार हर समय 24 घंटे ये नंबर अवेलेबल रहेगा और कोई भी नगर निगम के अंदर चाहे कोई भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार का काम में गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी होगी तो इससे पता लगेगा कि भाई कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है और जो कार्य सीधा अधिकारी बिना पार्षद प्रतिनिधियों को बीच में लिए करते थे उसका भी हमें पता लगेगा क्योंकि कई बार पत्रकारों की एक गलतफहमियां होती थी कि कोई जो अगर कोई गली बन रही है वो पार्षदों को नहीं पता मेयर को नहीं पता लेकिन वो अधिकारियों को पता है और उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है पत्रकार और जनता ये सोचती है कि जो भी कार्य भ्रष्टाचार या कुछ भी हो रहा है तो पार्षद या मेयर के द्वारा किया जा रहा है ये सारी गलतफहमियां भी दूर होंगी।